ने उसमें क्वेश्चन मैंने आपको सेंड किया है, क्वेश्चन मैं आपको शेयर भी कर दे रहा हूं, है ना। ओके क्वेश्चन मैंने आप लोगों को साइड में सेंड किया है, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं आप लोग लिख लें क्वेश्चन, ठीक है, राइट डाउन कर लें। क्वेश्चन मैं दोनों ही उसमें बता रहा हूं आपको। ओके क्वेश्चन स्टार्ट करें। यस सर। चलिए लिखिए, एक्स कंपनी लिमिटेड के चिट्ठे निम्न है, फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड। बैलेंस शीट बनाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे बैलेंस शीट को, ठीक है। इसमें चार कॉलम रखेंगे, तीन कॉलम मोस्टली रखिए, पर्टिकुलर्स, करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। पर्टिकुलर्स, ठीक है, करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, ठीक दिख रहा है आप को, क्लियर है? यस सर, यस सर। पहला आप लिखेंगे इसमें पर्टिकुलर्स में, फर्स्ट इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ओके। इसमें लिखेंगे पहला आपका शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स, ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड। अब इसमें आप करेंगे शेयर कैपिटल, ये है आपका 1,48,000 और 1,40,000। करेंट ईयर में आपका है 1,48,000 और प्रीवियस ईयर में 1,40,000। नेक्स्ट करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, ₹21,120 एंड 20,800। ओके नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट आ जाएगा, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज इसमें करेंगे डिबेंचर, डिबेंचर्स ये लिखेंगे 12,000 एंड 24,000,
नेक्स्ट थर्ड करेंगे करेंट एसेट्स, सॉरी करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स, एंड प्रोविजन फॉर बैड डेबिट्स, ये आपका ट्रेड बिल्स है 23,660 एंड 20,000, 1,600, 1,600 and 1,400. ओके, इसका टोटल कर देंगे, टोटल हो जाएगा आपका 2,06,400. ओके, क्लियर हो गया यहां तक? नेक्स्ट इसी में कंटिन्यू आप चलेंगे, सेकंड पार्ट एसेट्स, एसेट्स में फर्स्ट फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल लैंड एंड गुडविल, लैंड है आपका 60,000 and 20,000, गुडविल है 10,000 and 20,000, सेकेंड आप करेंगे करेंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड पेबल्स, कैश and test equipment, inventories are 85,400 and 98,400, trade payables are 35,400, 29,800, cash and cash equivalents है 15,600 and 18,000, इसका टोटल कर देंगे 2,06,400 and 2,06,200 टोटल। ओके, इसके बाद लिखेंगे अतिरिक्त सूचनाएं, एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन फर्स्ट पॉइंट, 7,000 रुपए का
कुल लाभांश भुगतान किया dividends were paid totally 7,000 rupees. Second, 20,000 rupees में जमीन खरीदी गई एवं 10,000 रुपए की ख्याति अपलिखित की गई. लैंड वाज परचेज परचेज फॉर 20,000 एंड the amount provided for the amortizations provision of goodwill total 10,000 rupees. Next, 12,000 rupees के ऋण पत्रों का भुगतान हुआ. Debentures loan was repaid 12,000 rupees. Okay, आपको कोष प्रवाह विवरण एवं कार्यशील पूंजी का विवरण तैयार करना है. यू आर रिक्वेस्टेड टू फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड द चेंज इन वर्किंग कैपिटल. ठीक है, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट. आप सभी ने क्वेश्चन लिख लिया. यस सर. चलिए इसमें देखिए दो चीजें उन्होंने कहा है. स्टेटमेंट ऑफ चेंज चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल है ना, और दूसरा इन्होंने कहा है स्टेटमेंट शोइंग फंड फ्रॉम ऑपरेशन. दो चीज आपको तैयार करना है. आपको कोष प्रवाह विवरण एवं कार्यशील पूंजी का विवरण देना है. तो सबसे पहले हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल. ठीक है, कार्यशील पूंजी का विवरण. स्टेटमेंट ऑफ चेंजिंग changes in working capital ठीक है. इसके लिए आपको टोटल कितने खाने बनाने हैं? पांच कॉलम बनेंगे. ठीक है, एक तो आपका क्या हो जाएगा, इफेक्ट होगा. इफेक्ट है ना, इसमें दो कॉलम रखेंगे. ठीक, इंक्रीज और डिक्रीज का. ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंजेस
इन वर्किंग कैपिटल ये हो जाएगा आपका इंक्रीज और डिक्रीज। फिर आपके लिए होगा प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। ओके प्रीवियस ईयर करेंट ईयर और ये फर्स्ट जो कॉलम होगा ये पर्टिकुलर के लिए हो जाएगा। ओके अब इसमें पहले हम करेंगे करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स को लीजिए क्वेश्चन देखते जाए। इसमें आपको क्वेश्चन के एसेट साइड सेकंड पार्ट जो था एसेट्स उसमें आप देखिए सेकंड पॉइंट करंट एसेट्स इसमें दिया हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है ना। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ये आपका दिया हुआ है प्रीवियस ईयर में 18,000 का और करेंट ईयर में आपको दिया हुआ है 15,600 है ना। तो प्रीवियस ईयर में 18,000 का था और चालू वर्ष में करेंट वर्ष में कितना हो गया 15,600 रुपए हो गया। मतलब कि ये क्या हो रहा है कम हो रहा है। ठीक है तो डिक्रीज साइड में देखेंगे कितना कम हो रहा है 2,400 रुपए इसमें क्या हुआ कम हुआ। ओके फिर आप आएंगे ट्रेड रिसीवेबल्स इसी में आप देखिए ट्रेड रिसीवेबल्स दिया हुआ है। सर लास्ट कॉलम दिखाई नहीं दे रहा है कौन लास्ट ये लास्ट कॉलम अभी दिख रहा है। यस सर ठीक ट्रेड रिसीवेबल्स लेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। देखिए क्वेश्चन में आपको करंट ईयर और प्रीवियस ईयर करंट ईयर में दिया है 35,400 और प्रीवियस ईयर में दिया हुआ है आपका 29,800। यहाँ पर देखिए प्रीवियस ईयर में 29,800 था और करंट ईयर में 35,400 यानी कि 5,600 का क्या हो रहा है इंक्रीज वृद्धि हो रही है यहाँ पर 5,600 रुपए का। ठीक है नेक्स्ट है आपका इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री आपका दिया हुआ है प्रीवियस ईयर में 98,400 करंट ईयर में दिया है 85,400। तो यहां पर क्या हो रहा है फिर से प्रीवियस ईयर में 98,400 है और करंट ईयर में 85,400 है माने कि इसमें क्या हो गया 13,000 का डिक्रीज हुआ कमी आई 13,000 रुपए का यहां पर कमी आई। ठीक है यहां अब टोटल कर देंगे आपका करंट एसेट्स का टोटल। ठीक है करंट एसेट्स का टोटल कर दीजिए प्रीवियस ईयर में कितना हो गया 1,46,200 1,46,200 रुपीज एंड 1,36,400 रुपीज। ओके ये पहला पार्ट हो गया आपका। अब इसमें चलेंगे हो गया कंप्लीट। यस सर कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे सेकंड पॉइंट। ये तो करंट एसेट्स का हो गया। ठीक है अब हम
आते हैं करंट लायबिलिटीज में। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में देखिए ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल कितना है आपका इसमें 23,680 एंड 20,000, करंट ईयर में 20,000 था और करंट ईयर में 23,680 है ना। तो ये क्या हो रहा है यहां पर, दायित्व में आपकी वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, इसमें जस्ट अपोजिट होता है। ये हमारा लायबिलिटी है, लायबिलिटी देखिए आप प्रीवियस ईयर में 20,000 का था और करेंट ईयर में आपका 23,680 हो गई, यानी हमारी लायबिलिटी जो है वो प्रीवियस ईयर की अपेक्षा करेंट ईयर में यानी गत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष में क्या हो गया, बढ़ गया। बढ़ गया मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है यानी कि वो घट रही है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी डिक्रीज होगी, कमी, ठीक है ना। कितने का हो रहा है, 3,680 रुपए का। ओके यस सर, क्लियर है। नेक्स्ट आइए, इसमें क्या दिया हुआ है आपका लायबिलिटीज में, प्रोविजन फॉर बैड डेबिट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेबिट्स ये क्या दिया हुआ है आपका, प्रीवियस ईयर में 1,400 और करेंट ईयर में 1,600, तो यहां पर भी क्या हो रहा है लायबिलिटीज में आपका कितना था 1,400 और फिर से बढ़ गया कितने का 200 रुपए, तो ये क्या हुआ डिक्रीज हुआ 200 का। और कुछ दिया इसमें नहीं है, इसका आप टोटल कर दें। ओके, टोटल करेंगे कितना आ जाएगा 21,200 एंड 25,280 सॉरी है ना 25,280। अब आप निकालिए वर्किंग कैपिटल। अब इसमें देखिए वर्किंग कैपिटल में दोनों पक्षों को आप देखिए, इंक्रीज और डिक्रीज को, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज को आप देखेंगे, दोनों साइड का टोटल आप करते हैं तो आपका यहां पर कितना आ जाता है, किस साइड का टोटल ज्यादा होगा आपका, डिक्रीज साइड का टोटल जो है वह ज्यादा होगा, है ना। वर्किंग कैपिटल में आप क्या करेंगे, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, ठीक है, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, तो आपका कितना हो जाएगा इसमें, करेंट एसेट्स में करेंट लायबिलिटी को माइनस करेंगे तो आपका करेंट एसेट्स कितना था 1,46,200 किसमें प्रीवियस ईयर का, उसमें आपके करंट लायबिलिटीज 21,400 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1,24,800। ओके, ठीक ऐसे ही आप क्या करेंगे करंट ईयर का, करंट ईयर का आपका था 1,36,400 1,36,400, उसमें आपका 25,280 रुपए माइनस हो जाएगा तो 1,11,000 कितना बचेगा 120 रुपए, ठीक है। अब इसमें आप डिफरेंसेस देखेंगे तो आपका डिक्रीज साइड
टोटल जो है डिक्रीज जो है वो कितना आ रहा है, टोटल करिए 2400 13000 प्लस 3680 प्लस 200 ये हो जाएगा 19280 रुपए आ रहा है। अब इधर देखिए इंक्रीज में, इंक्रीज में केवल एक ही आपका हुआ था आइटम ट्रेड रिसीवेबल्स जो था उसमें इंक्रीज हुआ था 5600 का, ठीक है। तो 19280 में 5600 आप माइनस कर दीजिए तो बैलेंस अमाउंट आपका आएगा 13680 रुपए। तो ये दोनों पक्षों का योग कितना हो जाएगा 19280, ठीक है। ये आप टोटल करके देखिए दोनों का बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो ये आएगा 2,24,800, ये होगा 13,680 रुपए, ठीक है। ये 13,680 रुपए जो है ये क्या कहलाएगा, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ओके। कार्यशील पूंजी में कमी, कितने की कमी हो रही है, 13,680 रुपए की। तो ये पहला जो कार्यशील पूंजी का विवरण है ये आपका कंप्लीट हो जाता है। दूसरे पार्ट में आते हैं, आपको पूछा गया है कोष प्रवाह विवरण, ठीक है, स्टेटमेंट शोइंग फंड फ्रॉम ऑपरेशन। यहां तक हो गया कंप्लीट, कंप्लीट हो गया, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. चलिए ये एक पार्ट हो गया। दूसरे में हम चलते हैं इसके बाद स्टेटमेंट शोइंग ये पूछा है स्टेटमेंट शोइंग फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, इसमें नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट आपका दिया है कहीं पर, देखिए क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है आपका। बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो जो फर्स्ट शेयर होल्डर्स फंड जो दिया हुआ है उसमें रिजर्व एंड सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल आपको दिया हुआ है। करंट ईयर में 21,120 एंड प्रीवियस ईयर में 20,800, यानी कि गत वर्ष में 20,800 रुपए का था और चालू वर्ष में 21,120 रुपए का था। ये करेंगे आप नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द पीरियड है ना। अब इसमें क्या दिया हुआ है, ड्यूरिंग द पीरियड में करेंट ईयर का था 21,120, है ना, प्रीवियस ईयर में 20,800, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका डिफरेंस कितना आ गया, 21,120 और 20,800, तो इसका डिफरेंस आ जाएगा 320 रुपए, है ना, 320 रुपए। ये आपका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट। इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे 8,
है ना। तो इसमें क्या प्लस करेंगे, गैर व्यापारिक खर्चे, नॉन ट्रेडिंग चार्जेस, नॉन ट्रेडिंग चार्जेस में क्या क्या है आपका, क्वेश्चन को देखिए, गुडविल है, रिटर्न ऑफ गुडविल में क्वेश्चन में देखिए, 20,000 में जमीन खरीदी गई एवं 10,000 रुपए की ख्याति अपलिखित की गई, अपलिखित रिटर्न ऑफ है ना, मतलब कि कम किया गया, तो गुडविल, गुडविल आपका कितना हुआ, रिटर्न ऑफ कम किए हैं इसमें, कितने का कम हुआ, 10,000 रुपए का, ठीक है, 10,000 रुपए का ये कम हुआ। और क्या चीज दिया हुआ है इसमें, 7,000 रुपए का कुल लाभांश भुगतान किया गया। एडिशनल इंफॉर्मेशन आपका जो दिया हुआ है उसका फर्स्ट पॉइंट, डिविडेंड्स वेयर पेड टोटलिंग 7,000 रुपीज, तो आपका डिविडेंड, डिविडेंड कितने का किया, 7,000 रुपए का कम किया, ओके, कितना हुआ, 17,000 रुपए टोटल, 17,000। अब आपका टोटल कितना हो गया, फंड फ्लो ऑपरेशन 17,320 रुपए, इसमें कोई और आपका आइटम नहीं है इसलिए इसमें कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, फंड फ्लो ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ये क्या हो गया आपका, 17,320 रुपए संचालन से कोष, ठीक है, संचालन से कोष कितना आ गया, 17,320 रुपए। अब इसमें इन्होंने ये पूछा था आपको, कोष प्रवाह विवरण, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनानी है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है कंप्लीट है, याद तक तापेश कंप्लीट है, यस यस सर, नेक्स्ट स्टेप जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, कोष प्रवाह विवरण, फंड फ्लो स्टेटमेंट, देखे तभी लाभ दे, थैंक यू बहुत साले, अच्छा है,